वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट बनाना मिल्क शेक की रेसिपी। यह बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजी बन जाती है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। और जैसे कि आपके घर में बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें आप इजी इसे बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाना चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 4 केले ले लिए हैं और 2 गिलास दूध लिया है। मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 गिलास दूध लिया है। तो चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैं चॉकलेट सिरप तैयार करूँगी। तो चलिए उसके लिए मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं और गैस को हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी खुलने तक इसे हम पकाएंगे। तो पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चोको पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच चोको पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। इसे इस तरह से पका कर डालेंगे तो बनाना मिल्क शेक का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। तो चॉकलेट सिरप जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए कोको पाउडर से मैंने जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए अब हम बनाना चॉकलेट मिल्क शेक बनाना तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सर जार लूँगी। जार मैं थोड़ा बड़ा ली हूँ। अब इसमें जो हमारा चॉकलेट सिरप है इसे हम सारा इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 गिलास दूध डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाला था। आप यदि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा बढ़ा दें। अब मैं सारे केले को अच्छी तरह से छील लेती हूँ। केला हमारा थोड़ा ज़्यादा पक गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम कट करके मिक्सर जार में डाल देंगे। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी तरह से पीस जाएंगे। बच्चों के लिए जब बना रहे हैं तो वह बहुत ही खुश होंगे। अब इसमें हम 4 पीस आइस क्यूब डाल रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। यदि आप इस आइस क्यूब को यदि ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसमें 4 पीस ही डाल रहा हूँ। अब मिक्सर जार को बंद करूँगी और इसे फिर तो चलिए हमारा ये चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम ग्लास में डाल लेते हैं। अब इसके गार्निश के लिए मैं एक डेरी मिल्क चॉकलेट ली हूँ। अब इसे हम थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हमारा चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।